सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक में मोबाइल नंबर लिंक और मैसेज अलर्ट का फॉर्म यू कैसे फिलअप करना है। ठीक है, यदि आप एटीएम भी बनवाने जाते हो तो भी आपको पहले मोबाइल नंबर लिंक कराने होंगे। ठीक है, तो ये कैसे कराने हो आपको बताऊँगा। ये है मैसेज अलर्ट रजिस्ट्रेशन स्लिप, तो आपको कैसे भरना है ये बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखो बीओ यानी शाखा यानी ब्रांच, जहाँ पे आपका एक ब्रांच है उस स्थान का नाम लिखना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है अपना नाम, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है अकाउंट नंबर, ठीक है, इन कॉलम्स में। और यहाँ पे लिखनी है आपको डेट, जिस डेट को आप मोबाइल नंबर लिंक करवा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, मैंने ये आधे आधे से लिखे हुए हैं, पूरे नहीं लिखे हुए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूरे लिखने, यहाँ पर आपका नाम आएगा, सिग्नेचर, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कस्टमर आईडी लिखनी होती है, जो कि बैंक के कर्मचारी भी लिख सकते हैं, आप भी। और आपको इस फॉर्म के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना, केवल इसको आपको कर्मचारी को पकड़ा देना है, वो आपका मोबाइल नंबर लिंक कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से कोई भी जानकारी प्राप्त हुई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।